दिनभर। महानगर में लगने वाले अस्थायी पटाखा दुकानदारों को मुख्य अग्निशमन अधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट ने मॉकड्रिल करके उन्हें आग लगने की स्थिति में आग पर काबू पाने के तरीकों के बारे में बताया। वहीं दुकानदारों को जागरूक करते हुए कहा कि सभी दुकानदार COVID-19 जांच करा लें और दुकानों पर बालू से भरी बोरियां और ड्रम में पानी की व्यवस्था जरूर सुनिश्चित करें। ग्रीन पे है, चाहे आपका 2-3 साल पुराना है माल, लेकिन अगर रेड पे है तो उसको तुरंत उसको रिफिल कराइए। पानी 200 लीटर सब यहाँ भरा होना चाहिए और ड्रम में एक बड़ा मग्गा या बड़ी फील्ड में और ये लगा दिया कचहरी मैदान टाउन हॉल में, ये गाड़ी यहाँ लगा दिया हमने। एक भी नहीं होगी, किसी के यहाँ हैलोजन लाइट नहीं होगी, सिर्फ बल्ब होंगे, CFL होंगे और तार की प्रॉपर टेपिंग होगी। कहीं भी या तहसील की टीम द्वारा जांच करने पे तत्काल उसका लाइसेंस निरस्त होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पहली चीज ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, जो भी जनता आपको आती है पटाखा लेने के लिए और चला के तो नहीं दिखाना, आप जानते ही हैं ये चीज। दूसरी चीज ये है कि जब जनता आएगी तो उसको आप पर्याप्त दूरी के बीच में पटाखे देंगे, एक सामाजिक दूरी जो देंगे। और इतने बच्चे फोटो कॉपी का ये आप भी देखिएगा और सब लोग कोई दे सकते। और दुकानदार होते हैं तो कुल्हड़ चाय लेके आके बेचते रहते हैं, नीचे आग रहती है, वो सब कोई भी कोई जलने वाली चीज ना तो बाहर से आएगी ना आपके पास रहेगी, ना किसी और का, और दूसरा कोई नहीं रहेगा। नंबर एक बात, दूसरा कोई बच्चे लोग नहीं रहेंगे, नाबालिग लोग अगर बिक्री करते हुए पाए गए तो ठीक नहीं है, कोई नाबालिग नहीं रहेगा दुकान पे। जो आपको करना होगा वो समझ लीजिए, किसी भी दुकानदार के पास दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। इसमें बच्चे भी सब लोग चला सकते हैं। इसको दबने एक आदमी हट जाएगा, आगे हट जाएगी, इसको एक हाथ से पकड़ नहीं पकड़ेंगे तो इसमें प्रेशर बहुत तेज होगा, आपको पाइप ऐसे से हिलेगा, चोट लग जाएगी, बहुत तेज प्रेशर होता है। और एक हाथ में इसको ले लिए, कोई जिस हैंड का लेफ्ट राइट कोई हो सकता है, कहने का मतलब एक हाथ इस मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव व CFO DK सिंह ने बताया, स्थलों पर अस्थायी पटाखे की दुकानें लग रही हैं शहर में, तो उसी क्रम में टाउन हॉल में जो कचहरी क्लब जिसे कहते हैं वहाँ पे 32 दुकानें लग रही हैं। सभी स्थानों पे पिछली बार की जो संख्या थी उसकी आधी लग रही, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है इसलिए सामाजिक दूरी का पालन भी करना है। तो यहाँ पे इस बार एक नई पहल के रूप में फायर फाइटिंग की टेक्निक्स, कैसे इनकेस कोई फायर का इंसिडेंट होता है तो कैसे उससे बचाव किया जाएगा, तो इसके लिए जो अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, जो कर्मचारी लगे, इसके अलावा जो दुकानदार लगे हुए हैं उनको भी एक ट्रेनिंग दी गई है। इसमें फायर विभाग की सहयोग लिया गया, साथ साथ तहसील का भी सहयोग लिया गया है। तो यहाँ पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, एक मॉक ड्रिल टाइप की गई है कि इन केस कोई फायर का इंसिडेंट होता है तो उससे कैसे हम लोग कॉम्बैट करेंगे। इनको CFO साहब की तरफ से फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका, बालू का उपयोग कैसे करना है, कितना करना है, पानी का उपयोग कितना करना है, कितना आपको रखना है अपने पास पानी, ये सब चीज़ें इनको बेसिक बताई गई हैं। जिला प्रशासन की तरफ से इनको जो इस बार नई चीज़ें हो रही हैं, जैसे कोरोना कारण सामाजिक दूरी की पालन करना है, इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथ धोते रहना समय समय पर, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अपने दुकानों पर आवश्यक भीड़ न लगे, ये सब चीज़ें इनको बताई गई हैं। और सारी चीज़ें जो शर्तें हैं उनके अनुज्ञप्ति पत्र में साफ साफ लिख दिया गया है, तो इनसे यही आग्रह किया गया है और इनके लिए पूरी टीम भी लगाई गई है ये देखने के लिए कि इसका पूरा पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दुकानदार के लाइसेंस हैं, उसमें इनके दिशा निर्देश दिए गए हैं किसका पालन करना है, और साथ में भी यहाँ पे एक मॉकड्रिल कराया गया है, सबको इकट्ठा करके भी बताया गया है कि आप अपने यहाँ सब लोग 200 लीटर पानी, दो फायर एक्सटिंग्विशर, बालू पर्याप्त मात्रा में रखेंगे और कोई हैलोजन लाइट की नहीं प्रयोग करेंगे, कोई तार का प्रयोग नहीं होगा, कोई खुले तार नहीं होंगे, बाहर से प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। और इसकी पूरी यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी रहेगी, एक बार्टेंडर यहाँ पे खड़ा रहेगा और जब तक त्यौहार नहीं बीत जाता तब तक कंटिन्यू यहीं पे बना रहेगा। और इन लोगों को यहाँ पे किसी ज्वलन चीज़
माचिस वचिस रखने के लिए, आप आतिशबाजी का प्रयोग करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए ना तो स्वयं करके चला के दिखाएंगे, ना तो किसी पब्लिक को इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम सावधानी के साथ और कोविड को देखते हुए मास्क लगाना, एक सामाजिक दूरी बनाए रखना और एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं करना, एक एक करके उस सब चीज़ को इनको पूरा निर्देश दिया गया है। और इनको फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाया जाएगा इनको भी चला के भी दिखाया गया है। और आग लग पहली बात तो लगे ना, इतनी सावधानी बरती जाए कि ऐसी घटना ना हो। यदि इनकेस ऐसी बात होती है तो हमें क्या करना है, उसके बारे में भी इनको विस्तृत जानकारी दी गई और एक ड्रिल करके इनको दिखाया।